वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वली देख क्या रहा है, कमबख्त, गोली चला चोर पे। क्या हुआ? क्या दादी, मैंने कहा था उसके पीछे जाओ, जाने के बाद ने उसको गोली मार दी, उसकी छाती पे लगी है, वो मर गया। कुछ नहीं, सो जाओ। लाइट बंद नहीं कर रहा, जाऊं? नहीं नहीं रुक जा, अब्बा तुझे देखेंगे ना तसल्ली हो जाएगी उनको, और अगर बात हो तो कह देना कि मेरा काम में दिल लग गया। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आजकल बहुत दिल लग गया है इसका काम में। कुछ चलकर आए हो या ये बिठा कर लाया? चल भी लेता हूँ और बैठ भी जाता हूँ। दादी बेटा तुम भी घर जाओ, मदिया अकेली होगी। ठीक है अंकल, ओके, खुदा हाफिज। खुदा। तुम अब भी उसी लड़की के चक्कर में हो? अब्बा वो चक्कर खत्म हो गया, आज तो ऐसा काम में जुटा कि ख्याल तक नहीं आया उसका। ख्याल में रह जाए उसका कोई गम नहीं, बस ये याद रखना कि वो तुम्हारे दिल में ना रह जाए। दरवाजा बंद करके आना। नहीं आएगा। अभी तो रात के 2 बजे हैं सुलेखा, पूरी रात अभी बाकी है। अब उम्मीद बाकी नहीं है, सोचा था आने का वक्त नहीं बताया तो शाम ढलते ही आ जाएगा, लेकिन वो भी क्या करे बेचारा, परसों पुलिस की मार पड़ी है और आज सिर पर मौत खड़ी है। सुना था चल नहीं सकता और चल पड़ा मोहब्बत के रास्ते पर। लाइट हो जा, तुम इस हाल में सो जाओगी? हाल तो अच्छा है बिल्कुल, हंस रही हूँ, चहक रही हूँ और सोच रही हूँ कि जब मोहब्बत होती नहीं तो क्यों लगता है कि हो रही है। मोहब्बत हो गई थी ना उससे? अरे नहीं बेवकूफ, बिल्कुल नहीं, बस लग रहा था कि उसे हो गई है, और ये भी लग रहा था कि उसे देखकर मुझे भी हो जाएगी एक दिन। कम वक्त आकर निकाह रोक देता तो सची मुझे ही हो जाती। निकाह कैसे रोक देता, इतनी ताकत कहाँ है उसके अंदर? एक अकेला छरेरे बदन का लड़का इतने लोगों से कैसे लड़ सकता है? अपना तो बलि पैर तले रख के चीर डालेगा उसे। ताकत की बात मत करो, ताकत वाले मोहब्बत नहीं करते, हिम्मत वाले मोहब्बत करते हैं। चाहो तो पूछ लो, पुराना कोई भी आशिक पहलवान नहीं था, सब छरेरे बदन के नाजुक थे, सब बस दिल दुखने से डर जाते थे, दुनिया से नहीं डरते थे। गुड नाइट।
सोई नहीं हो अभी तक? प्यास लग रही थी, पानी के लिए उठी हूँ। साला वो झूठ बोलने लग गया है मुझसे। एक ही आदत उसकी अच्छी लगती थी कि झूठ बोलते वक्त मुझे कहते थे कि तू बात कर, अब वो खुद ही कर लेता। यूसुफ? हाँ तो और किसकी बात करूं? कह रहा था कि अब्बा पूछे तो बोल देना, काम में दिल लग गया है मेरा। तो काम तो कर रहा है वो? काम नहीं कर रहा था, रो रहा था। सचमुच में रो रहा था? आंसू नहीं निकले, सिसकने की आवाज नहीं आई, तो क्या समझता है? मुझे पता नहीं चला। रो भी रहा था और सिसक भी रहा था, बस मुझे दिखाने के लिए ऐसी बातों पे हंस देता था जिस पे रोना आता है। कुछ खाने को है क्या? अभी तो खाया था। उसको साथ बिठा के खाने को तुम खाना कहती हो? यार धोने वाले उसने खाए 3 महीने, इसमें क्या होता है? क्या होगा उसका? मुझे तो साफ लग रहा है कि हमारे घर में उसकी एक तस्वीर लटकने वाली है। तस्वीर मतलब? अरे मरेगा तो याद रखने के लिए एक तस्वीर तो होनी चाहिए ना हमारे पास। वहां म्यूजिक रूम में लगा दूंगा मैं गिटार के ऊपर। उसके अब्बा से गिटार ले लूंगा, बोलूंगा यादगार के तौर पे दे दीजिए। ऐसे क्या देख रही हो? बचपन का दोस्त है मेरा, याद तो आएगा ना। हेलो। हाँ टोनी, कहाँ हो तुम दोनों? बस यार काम कर रहे हैं। तू बता इतनी रात को फोन क्यों किया? मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्या पता नहीं? अबे साले कल शाम को निकाह है उसका। किसका? मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी का। अरे नहीं नहीं यार, उसका निकाह तो संडे को है ना? तो बेटा उन्होंने तारीख बदल दी है, कल शाम को निकाह है, संडे को शादी है, पक्की खबर है मेरे पास। ये कैसे हो सकता है यार? शादी का कार्ड देखा है तूने? निकाह का वक्त और तारीख संडे की है। वो उसकी छोटी बहन है ना, क्या नाम है उसका? हाजरा। हाँ हाजरा, उसने तुम्हारी भाभी को बताया। अच्छा फोन रख। ओए, फोन रखने से पहले बात सुनो मेरी। हाँ। अभी सेट कूद कर जाने वाला एडवेंचर मत करना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डरता हूँ किसी से, मगर उससे अब डरना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके फोन रख। दाजी मैं जागता रहूँ या सो जाऊँ? अरे यार तू सो जा यार, तू कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि इस बार तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओके अल्लाह हाफिज। खाना रख दिया तुम्हारा, मैं सोने जा रही हूँ। नहीं रहने दो। क्या रहने दो? भूख नहीं लगी। क्या मतलब क्यों भूख नहीं रही? क्या हुआ, किसका फोन था? टोनी का। टोनी क्या कह रहा था वो? कल जुलेखा का निकाह है, मुझे मशवरा दो, बताओ मैं क्या करूं। तुम क्या कर सकते हो? अरे वो मर जाएगा। नहीं मरेगा दाजी, उसके लिए नहीं मरेगा जो किसी और से शादी करने जा रही है। 2015 है, 1915 तो नहीं। अच्छा आ जाओ खाना खा लो और भूल के सो जाओ कि कल उसका निकाह है। दाजी निकाह बिना पूछे नहीं होता, हाँ बोलेगी तभी होगा निकाह। और अगर हाँ बोल देती है तो कह देना यूसुफ को कि अपनी बिला वजह की बारात को रोक कर रखे। बल्कि उसको बताने की जरूरत ही क्या है, समझ लो ना तुम्हें फोन आया ना ही तुम्हें कुछ पता है। सुबह हो गई, चेक कर लो तुम्हारे लिए भी सुबह है या काली भयानक रात। ये तो सुबह है हाजरा, रात तो टल गई। अच्छा हुआ नहीं आया वो। तो फिर ठीक, बिस्मिल्लाह करके नाश्ता करो और तैयारी शुरू कर दो। मेरी तरफ से आज की सुबह मुबारक। रुको तो सही, वहां क्यों हो रही है? नीचे अम्मी सामान बांध रही हैं। अली हमजा जाके लाहौर के टिकट ले आया। फोन नहीं उठा रही। फिर से मिलाओ, हो सकता है उसका फोन किसी के पास हो। जल्दी मदिया। हाँ दादी। मदिया तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ देखती हूँ,
ठीक है। हेलो हेलो, जुलेखा बोल रही हूँ। बोलो, वो रात को आया क्यों नहीं? तुमसे कहा था वो नहीं आ सकता, उससे तो चला भी नहीं जाता। तो फिर तुम उसे कहना कि लाना तो तुम पर। क्या कह रही है? लानत भेजती है तो समझ लो क्या कह रही होगी। उस दिन ने आने से इनकार कर दिया, कहता है कि मुझसे चला भी नहीं जाता। किसका फोन था? तुम्हारी कसम खा रही हूँ, उस दिन के बाद मेरी यूसुफ से बात नहीं हुई है, ना ही उसने मुझे फोन किया। इस बार तो तुम्हें फोन करना चाहिए था। इस बार मुझे पता चलता तो मैं सुनकर खुश हो गया होता। जुलेखा का फोन था और तुम उसे कह रही थी कि वो नहीं आ सकता। तुम ये फैसला करने वाली कौन होती? ये तो वही फैसला करेगा ना जिसने मोहब्बत की है। और अब तुमको भी मान लेना चाहिए कि उसने सचमुच की मोहब्बत की है। दादी, पता चला तुझे? सुलेखा का निकाह हो रहा है यार। उसने खुद मदिया को फोन करके बताया। लेकिन इसका मतलब समझते हो तुम? क्या मतलब इसका? शी लव्स मी यार। सुलेखा को यूसुफ से मोहब्बत हो गई। चल निकल, निकल लो। बता दो, बता दो। चल चल, बाय। गो मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। बजकर 2 मिनट हो गए। बस वो ब्यूटी पार्लर गया था तैयार होने, निकल रहा है वहां से। रुकिए, फोन आ रहा है उसका। अबे कहां रह गया तू? 8:30 बजे वहां से निकलेगा तो यहां किस वक्त पहुंचेगा? मैं वापस नहीं आ रहा, जुलेखा से शादी नहीं करूंगा मैं। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा, पागल नहीं हूँ जो उससे शादी करूँ। वो तो किसी यूसुफ नाम के लड़के से मोहब्बत करती है, शादी के बाद तो जलील करके रख देगी मुझे। रखता हूँ। इमरान मुगेश जिंदाबाद। लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो मुझ पर जान छिड़कता था, अचानक उसने इनकार क्यों कर दिया? अब बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। कमबख्त ने सबके सामने 2 टके का कर दिया मुझे। घबराओ मत, अब्बा ढूंढ रहे हैं उसको। वली के साथ निकले रिश्तेदारों की फौज लेके। अब नहीं मिलेगा, भाग गया है। अब तो मुझे भी डट कर बोलने की रीजन मिल गई है। इमरान मुगेश ने कहा कि एन वक्त पर इनकार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो मैं भी डंके की चोट पर कहूंगी, इमरान मुगेश मुर्दाबाद। बस नहीं बेटा, ये ले, चुपचाप खाता रहे जब तक खिला रहा हूँ। बाद में शिकायत मत करना कि हमने तेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। सलूक तो अच्छा नहीं किया है तुम लोगों ने मेरे साथ। एन निकाह वाले दिन किडनैप कर लिया मुझे, अब देखना कौन कौन सी दफा लगेगी। गोली मार, गोली मार सर। क्या क्या बोला? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इतनी सी बात पे भी कोई गोली मार दे क्या? आप रुक क्यों गए? सुनाए मुझे, जब तक कहेंगे खाऊंगा। शाबाश, ये ले। वैसे तुम्हारे पास दिन बहुत कम बचे। क्या मतलब? क्या मतलब ज्यादा दिन नहीं बचे? क्या होने क्या वाला है मुझे? तुम अभी तक जुलेखा के बारे में सोच रहे हो ना, उससे जबरदस्ती शादी का प्लान कर रहे हो हैं? ए भाई, अभी आप लोगों के सामने तो 2 बार इनकार किया है मैंने, मां सिट्टी गुम हो गई उन लोगों की। दिल से इनकार नहीं किया तुम, और ये जो दफा वाली बात की थी, अपनी मौत को आवाज दी है। हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो। क्यों, हाथ खोलेंगे तो क्या कर लेगा?
कान पकड़ के माफी मांगूंगा। भाई गैर इरादी तौर पे मुंह से निकल गया मेरे, कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ से जाती जुलेखा की जिंदगी से दफा हो जाऊंगा। दफा तो पहले ही हो चुका हूँ, वहां मामू बंदूक ताने खड़े होंगे। इसका फैसला 10 दिन बाद होगा। किस बात का फैसला 10 दिन बाद होगा? यही कि तुम्हें छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। भाई आप लोग मारने की बात क्यों कर रहे हैं बार बार? मैंने कह जो दिया जुलेखा की जिंदगी से दफा हो जाऊंगा, तो खामखा मैं मामू और अम्मा के चक्कर में आ गया, वरना कौन पागल होगा जो जुलेखा जैसी लड़की से शादी करे। ओए नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं कह रहा है, तू बैठ जा बैठ जा। ओए मुंह खोल, चुपचाप खा, मत खिला इसे, ये ले। मैं कल काम कुछ निकल जाता है। अम्मी भाई का फोन। अल्लाह माँ सबके। हेलो इमरान मुगीस। अरे कहाँ हो बेटे? प्यार जताने से नहीं आऊंगा, कुरान पे हल्फ दीजिए। और कहिए कि वापस आया तो जुलेखा से शादी नहीं करवाएंगी मेरी। तो कैसी बातें कर रहे हो? आज तक तो तुम जुलेखा के नाम पे जीते थे, अब उसी से छुपते फिर रहे हो। हाजरा के बारे में सोच रहा हूँ। कह रहा है हाजरा के बारे में सोच रहा हूँ। मुझसे बात कर रहा है। अरे हाजरा के बारे में क्यों सोच रहा है ये? अभी किससे बात कर रही थी? तेरे मामू से, सामने ही बैठे हुए रो रहे हैं बेचारे। अरे वो फिर आ गए क्या? फिर क्या, वो गए कहाँ हैं? अरे रात से तेरा इंतजार कर रहे हैं। बंदूक लाए होंगे साथ। बंदूक? वो किस लिए? मुझे गोली मारने के लिए। पागल हो गया? किसी की मजाले जो तुझे गोली मारे। अरे मेरे लाल मेरे बच्चे, तू घर आ जा, बैठ के बात कर लेंगे। अरे अब बात नहीं होगी अम्मा, अब तो डील होगी। जुलेखा के बदले हाजरा देते हैं तो ठीक, वरना पड़े रहे अपने घर में। रखता हूं फोन। बात मेरी बात इमरान फोन बंद कर दी। अरे बंद ही करना था ना आपा, मिन्नतें क्यों कर रही हैं आप? बताएं उस कमबख्त को उसकी वजह से क्या मुसीबत आ रही है। मेरे लाल कहां हो? देखा भाई साहब ऐसी कोई आला परफॉर्मेंस दिया मैंने। अरे अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मैंने जुलेखा का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है। हजरा का नाम भी मैंने खुद ही लिया, मतलब कि दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ लिया, तो जाने दें। देखो भाई तुम्हारी अम्मी और मामू हलफ जब तक नहीं उठाएंगे, अगर उठा लेंगे तो फिर मैं बात करूंगा भाई से। वो आपके भाई हैं क्या? अरे वो यहाँ इलाके का भाई है, चुटकियों में मर्डर कर देता है वो। भाई को वो थाने वाली बात में गुस्सा है ना, बुलाएं अभी बुलाएं उनको, पैरों में सर रख के माफी मांगूंगा मैं। नहीं नहीं वो नहीं मानेगा। क्या मतलब नहीं मानेंगे? जब तक तुम्हारी अम्मी और मामू हलफ नहीं उठाएंगे वो नहीं मानेगा, जान से मार देगा तुम्हें। अरे शादी तो मैंने करनी है ना। शादी करेगा उससे? अरे भाई साहब मेरी पूरी बात तो सुन ले। देखिए मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा तो अम्मी और मामू क्या कर लेंगे? आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे? नहीं यकीन आ रहा है, लेकिन 2 मिनट मुझे जरा सोचने दो। अरे ज्यादा मत सोचिए भाई साहब, मैं एक दिन और इस कुर्सी पे बैठा ना तो यहीं अकड़ के मर जाऊंगा मैं। अच्छा तुम हाजरा से शादी करोगे? ये बिल्कुल सीरियस। मैंने तो अम्मी से पहले ही कहा कि जुलेखा नहीं मान रही तो जाने दे, हाजरा से शादी करा दे मेरी। फिर क्या कहा उन्होंने? कहा कुछ नहीं, घुमा के दिया एक उल्टे हाथ। ये बात? क्या बात भाई साहब? भाई देखो जब तक वो हलफ नहीं उठाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप अम्मी से दोबारा बात करवाएं मेरी। नहीं अभी नहीं, कल बात करना। अभी तुम्हारी अम्मी के अंदर की माँ को थोड़ा तड़पने दो, जब हलफ उठा लेंगे फिर करेंगे बात। लेकिन कल में तो बहुत देर है भाई साहब। कितनी दूर है भाई, 8 घंटे में रात हो गई है, 12 घंटे में दिन निकल आएगा। वो तो निकल ही आएगा, लेकिन इस कुर्सी पे बैठे बैठे मेरा दम भी निकल जाएगा। मेरा यकीन करें भाई साहब, मुझे लग रहा है मेरे जिस्म में सिर्फ मेरा सर है। आप एक काम करें मुझे उस तख्त पे लिटा दें, मैं अपने हाथ और पैरों को देखना चाहता हूँ। मरने से पहले तुम्हें 15 मिनट दिए जाएंगे। मरने से पहले 15 मिनट? क्या मतलब भाई? 15 मिनट दिए जाएंगे ताकि तुम आराम से अपने हाथ और पैर देख लेना, बाल बना लेना, मुंह धो लेना। मरने से पहले मुंह धोके क्या करूंगा मैं, कैसी बात है? चुप भाई यार चुप। कौन? कॉलम दिया मैं यूसुफ।
सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने गलत किया? मेरे पास कोई और चारा नहीं था मदिया। किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो सही कहा है। बिल्कुल गलत कहा है उसने। उस इंसान ने या तो मोहब्बत नहीं की या जंग नहीं लड़ी। जंग तो मैंने भी नहीं लड़ी, लेकिन इतना बता देती हूँ, मोहब्बत में किसी की जान को मुसीबत में नहीं डालता। ताजी, खोल दे से यार। क्या मतलब? दाजी, बस जो हुआ काफी है यार, किसी की जान को मुसीबत में ना डालो। पागल हो गया? शाम तक इसकी अम्मी मान जाएगी और कुरान पे हाथ रख के कसम भी खा लेगी कि जुलेखा की शादी इसके साथ नहीं होगी, फिर छोड़ देंगे इसको। अरे वो तो अभी मान जाएंगी, आप मेरी एक बार बात तो करा दें। चुप कराओ, तुम मेरे साथ बाहर चलो, बैठ के बात करो। चलो। अचानक क्या हो गया तुझे? इस साले पे रहम क्यों आ रहा है? ये वही कमीना है ना जिसकी वजह से पुलिस से मार खाई हमने, और ये वही खबीस है जो तेरी मोहब्बत को मलियामेट कर रहा है। अब कम वक्त कह रहा है कि हाजरा से शादी कर लूंगा। इसके लिए जुलेखा कोई अहमियत नहीं रखती है, लेकिन तुम्हारे लिए रखती है। वो तुम्हें नहीं मिली तो तुम मर जाओगे, या फिर मुझे बता दे तू भी कहीं और शादी कर लेगा किसी और से। नहीं ना, तू उसे भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं रख सकता, तो फिर जरा सी हिम्मत पैदा कर। ये दिन गुजर जाने दे उसको भी, ताकि पता चले कि उसके लिए कुछ किया है तूने, निकाह रोका है उसका। हाँ तो रोक तो दिया है निकाह, काफी नहीं है क्या ये? नहीं, ये काफी नहीं है। अगर शाम तक इमरान मुगीस की अम्मी को कॉल नहीं गई तो वो तड़प कर कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेंगी कि इमरान मुगीस की शादी जुलेखा से नहीं होगी, पक्का। बेटी का दूल्हा बारात लेकर नहीं आया और आप दूल्हा की साइड ले रहे हैं? ये आपकी आपा खिलाती क्या है आपको? जहर खिलाती है भाई, अब बोलो क्या करूं? खाते रहिए, जब घर की चुपड़ियां रास नहीं आती तो बाहर का जहर ही मिलता है खाने के लिए। खाते रहिए और उस कमीनी के पीछे मरते रहिए। तमीज से बात करो तुम, खबरदार अगर तुमने आपा को कमीनी कहा तो। मैं आपकी आपा को कहां कमीनी कह रही हूँ, उनके दर्जात तो बहुत ऊपर के हैं। मैं तो उस हसीना नाजीना की बात कर रही हूँ जिसे प्यार से बुशरा कहते हैं आप। मानी नहीं वो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझते क्या हो मुझे? ये आंखें गुस्से से लाल हो रही हैं या रात भर जागते रहे हैं? ऐसी हालत में किसी बाप को नींद आ सकती? निकाह नहीं हुआ? क्यों? आ गई है, पूछ लीजिए इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खुश हूँ बहुत। चाय पियेंगी? नहीं शुक्रिया। निकाह क्यों नहीं हुआ? दूल्हा भाग गया। अच्छा, उससे हुई मुलाकात? किससे? यूसुफ से। वो तो उससे पहले ही भाग गया था, लेकिन आप कैसे जानती हैं? वो मेरे हस्बैंड का बचपन का दोस्त है, स्कूल फेलोज। ये बात पहले भी किसी ने कही थी? उसके बिहा पर किसी ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो अकेले सबको मामू बना गया। हर्ट किया उसने? अरे नहीं, उसके दावों से लगता था कि कहीं वो सच ना कह रहा हो। कौन है? अननोन नंबर है। चला मुझे दे, मैं बात। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। हेलो, यूसुफ बोल रहे हो? जी, आप कौन? जुलेखा। तुम सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ। कहाँ पे हो? दाजी, अगर दाजी मेरा दोस्त है ना। इमरान मुगीस को किडनैप क्यों किया तुमने? ये क्यों पूछ रही हो? तुम चुप करो। जी? कुछ पूछा है तुमसे? बताओ, इमरान मुगीस को किडनैप क्यों किया था? जी, मुझे लगा कि शादी रुकवाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शाबाश। जी? शाबाश दे रही हूँ।
थैंक यू। अब क्या करोगे? आप बताइए अब क्या करूं? नियत क्या है तुम्हारी? नियत? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? दादी को पता होगा। तुम्हें नहीं पता? खुद को नहीं पता होता। वैसे मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन जब इमरान मुकेश को किडनैप किया तो मुझे लगा कि कोई सवाब का काम कर रहा हूं। मिलना चाहती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे सर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? हैरान हो गया हूँ ना, शायद ज्यादा हैरान हो गया हूँ। वक्त कम है हमारे पास। हमारे पास मिलोगे या हैरान ही होते रहोगे? कब, कहाँ, कितने बजे? कल दोपहर 1 बजे उसी रेस्टोरेंट में जिसके बाहर तुम्हारे दोस्त ने इमरान मुकेश के मुंह पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ नहीं, मुक्का मारा। ठीक है, मैं 1:15 बजे आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी। बाय। बाय। तुझे पता है किसका फोन था? जुलेखा का। नहीं आया। आ गया। मोटरसाइकिल पे आया हूं ना, इसलिए जा रहा हूं। बैठे। बस चाय ले आओ। नहीं नहीं, कुछ खाने के लिए भी, कुछ सैंडविच वगैरह। रात से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आया क्यों नहीं? ज्यादा खुश हूं तो कम खाता हूं, बल्कि भूख ही नहीं लगती। मैं इनके सामने कुछ भी कह दूं? हाँ। मैं आपकी खातिर जान भी दे सकता हूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं। गर्म चाय नहीं पीता, लेकिन आप चाहें तो गर्मा गर्म चाय मेरे सर पे डाल दें, हंसता रहूंगा। वैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मोहब्बत में आदमी लगातार नॉर्मल रह नहीं सकता, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपको याद करता हूँ ना तो कुछ याद ही नहीं रहता। आपकी बात नहीं करेंगी तो अब तुम्हारी हालत कैसी है? नॉर्मल नहीं है, हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। कितनी कूलिंग है यहाँ पे, लेकिन इमरान मुकेश इसको होश नहीं आया अब तक। होश आएगा तो वो सब कुछ बता देगा। मालूम है फिर क्या होगा? क्या होगा? तुम जेल चले जाओगे। मुझे अफसोस इस बात का कि मेरे साथ दाजी भी जेल जाएगा। तुम्हें कोई परवाह नहीं? मैंने कहा ना, मैं लगातार नॉर्मल नहीं हूं। तुम अपने अम्मा पापा को भेजो हमारे घर। अब्बा से रिश्ता मांगने। रिश्ता दे देंगे? कभी नहीं। हाजरा ठीक कह रही है, लेकिन रिश्ता मांगने की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी ना। फॉर्मेलिटी के बाद? मतलब उसके बाद क्या करूंगी? तुम बताओ, तुम क्या करोगे? करना क्या है, कोर्ट मैरिज कर लो। नहीं, कोर्ट में मैरिज नहीं होती, जिल्लत होती है। ठीक है, वो इनकार करेंगे, तुम दोबारा रिश्ता मांग लेंगे। दोबारा रिश्ता मांगने की नौबत नहीं आएगी, कल परसों शायद कभी भी नहीं। संडे को उसकी शादी हो जाएगी। तुम शादी कर लोगी?
कभी नहीं। सर ने सर बच्चे को होश आ गया। ठहरिए, कौन है आप? क्या हो गया मेरे बच्चे को? शख्स को मैंने पहले कहीं देखा है? या अल्लाह, ये हमारे मामू हैं इमरान। मेरा कोई मामू मामू नहीं है, मैं तो किसी जुलैखा को भी नहीं जानता। या अल्लाह, तुम बली हो ना? हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। शख्स मुझे घूर क्यों रहा है? अरे ये तेरे मामू है कमबख्त, जुलेखा के अब्बा। ओहो, नाइस टू मीट यू। हट, इससे कहिए होश में आ जाए आपा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा इसके साथ। अरे क्या कर बैठोगे, बच्चे की हालत देख रहे हो? माँ को तो पहचान नहीं रहा, मामू को क्या खाक पहचानेगा। आप लोग प्लीज कमरे से बाहर चले जाए, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है उसे, पिछले 16 घंटे से सो रहा है कमबख्त, और फिर नींद आ रही है, ड्रामा कर रहा है। इधर उधर क्या देख रहे हो, सो जाओ। आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं हाजरा के सामने कुछ भी पूछ लूं? हाँ। मुझे शर्म आ रही है। शर्माओ मत, जो पूछना आज पूछ लो, फिर पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं। मुलाकात तो होगी, मैं जेल भी चला जाऊंगा ना तो डरूंगा नहीं, वापस आके मिलूंगा। मैं उस टेबल पर चली जाती हूँ, वहां आपकी आवाज भी नहीं आएगी। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। आप भी मुझसे प्यार करती हो ना? मुझे पता था आप ये सवाल सुन के बहुत हंसी। आप मुझसे यहाँ मिलने आ गई, ये भी कह दिया कि अपनी अम्मी अब्बा को भेज दो रिश्ता मांगने के लिए, फिर तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना? इट्स अंडरस्टूड। नहीं, ये अंडरस्टूड नहीं है ना। मैं तुम्हारे लिए अब तक तड़पी हूँ और ना ही तुम्हारे गम में रोई। तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और ये भी लग रहा है कि शादी भी तो तुम मुझे खुश रखोगे, फिर तो समझो कि डेफिनेटली तुमसे प्यार हो जाएगा। Excuse me. हालांकि कूलिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी बातें सुन के तुम्हें पसीना आ रहा है। देखो तुम एक अच्छी लड़की हो, ये सब मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत को डिजर्व भी करते हो। मेरे लिए जान देने की बात की थी तो जान पल खेल के भी दिखा दिया, और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगता। लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, क्या है कि लड़कों को एकदम से मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके लिए मरने मारने पर भी तुल जाते हैं। मैं अभी तक यही नहीं जान पाई कि क्या प्यार एकदम से हो जाता है। शक्ल तो नजर आ जाती है यूसुफ, नाम का भी पता चल जाता है, लेकिन किरदार का तो पता नहीं चलता ना। तो क्या होता है कि मोहब्बत के होने में किरदार का होना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्या?
का नहीं होता तो जैसे हम मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत नहीं होती। मैं चलती हूँ, बिल दे देना, तुम्हें देना चाहिए। हाजरा चलो। आपा कहाँ? आपा को गोली मारें, शादी की बात करें। तो मैं कर लूंगा मेरी जान, लेकिन आपा कहाँ है? पीर सालिम के पास गई हैं। पीर सालिम? इमरान मुगीस के लिए तावीज लेने गई हैं। वली और तहमीना भी साथ में गए हैं। समझे? हाँ वो तो समझ गया हूँ, लेकिन ये किसने कहा है कि तावीज पीने से ये ठीक हो जाएगा? एक्टिंग कर रहा है कमबख्त। और आप क्या कर रहे हैं? मैं? क्या समझे हैं आप? ठेंगा। हम दोनों घर में अकेले हैं। अकेले कहाँ हैं? पड़ा है ना अंदर घर में, पता नहीं कब दरवाजा खोले और बाहर निकला। कितनी देर हुई आप गए? 15 मिनट हुए। ये अब देखो जरा मैं क्या करता हूं। खबीस तो यहां इत्मीनान से बैठ के केले खा रहा है, वहां मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। वहीं रुक जाइए, आगे मत आइएगा प्लीज। देखिए मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? आपकी शक्ल मेरे मामू से बहुत मिलती है। चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अब्दुल्लाका से शादी नहीं करूंगा। अरे जबान दे के आयो, कसम खाई है मैंने। किसे जबान दे के आया? किसके सामने कसम खाई है? मैं हाजरा से शादी कर लेता हूँ ना। अरे आप ये टंटा खत्म कीजिए ना मामू, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, बात अब लड़ाई झगड़े से बढ़कर अगवा तक पहुंच गई है। क्या अगवा? सच्ची बात है, पहले मैं डरती थी, मुझे यकीन नहीं आता था कि तुम्हारे अंदर इतना दम होगा, और ये भी नहीं चाहती थी कि तुम अपने बाप के सामने डटकर खड़ी हो जाओ। लेकिन जब तुम इमरान मुगीस के नाम पर नहीं मानी तो मैं सुनकर खुश हो गई। मुझे लगा कि तुम शादी को बुजुर्गों का खेल नहीं समझती, और लगा कि तुम बेटी हो, रस्सी से बंधी हुई बकरी नहीं। अपने बाप की इज्जत का पास रखोगी, लेकिन शादी वहां करोगी जहां तुम्हारे दिल की मर्जी है। ये बात है तो आपने खाला और अली हमजा को क्यों बुलाया था? कुमक के तौर पर, जैसे कमजोर मुल्क अपने दिफा के लिए दूसरे मुल्कों की फौज बुला लेते हैं। और अगर मुझे इमरान मुगीस से मोहब्बत हो गई होती तो? नहीं हो सकती थी। जिसे मोहब्बत कहते हैं ना सुलेखा, वो मर्द की नस्ल देखकर होती है, शक्ल देखकर नहीं। आप लोगों को कल से घर जाना होगा रिश्ता लेकर। तो इसमें परेशानी की क्या बात है यार? तुम अभी कहो, मैं अभी रिश्ता लेकर चला जाता हूँ। क्यों भाई? बिल्कुल इसमें इतनी खुशी की बात नहीं है अब। क्या मतलब खुशी की बात क्यों नहीं है? इसलिए कि वो रिश्ता नहीं देंगे, इनकार कर देंगे। अगले संडे शादी है उसकी, उसके कजन के साथ। तो फिर जाने की क्या तुक है? अब उसने कहा है कि कहा है मतलब वो चाहती है कि आप एक दफा बात जरूर करें, चाहे इनकार हो जाए। जाए और चाय पीकर वापस आ जाए। वो चाय भी नहीं पिलाएंगे आपको, मेरा नाम सुनेंगे तो उसके बाद बदतमीजी करेंगे आपसे। फिर भी तुम चाहते हो कि हम वहाँ जाएं? अब आपसे बदतमीजी करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
तुम घबराओ मत, कल हम जाएंगे, वो बदतमीजी करें, गाली दें, सब सुनाएंगे। परेशान मत हो, आराम करो। कौन थे वो दोनों? नाम बताओ, कौन थे वो दोनों? क्या दिलचस्पी थी जुलेखा में उनकी? ये नहीं बताऊंगा। बता। आप लोग मार क्यों रहे हो मुझको? पहले वो लोग पीट रहे थे, अब आप लोग मार रहे हो। मैंने कह दिया ना, मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। एक मिनट, ठीक, जुलेखा से शादी नहीं करेगा, मत कर, मगर ये बता कि उन दोनों का नाम क्या है, कौन थे वो लोग? मुझे क्या पता कौन लोग थे, होंगे कोई। झूठ मत बोल इमरान मुगीस, तू झूठ बोल रहा है। तूने अभी कहा है कि तू नहीं बताएगा। अब उन दोनों की मुझे नहीं थी। नाम चाहिए मुझे, नाम बता, नाम, नाम बता। अरे तुम क्यों पीट रहे हो इसे? बता तो रहे मुझे नहीं थी उनकी। आप चुप रहिए, आपा सुनने नहीं है क्या कह रहे हैं ये? झूठ बोल रहा है ये। नाम बता। देखे आपा, ये जानता है और हमसे छुपा रहा है, और या फिर ये झूठ बोल रहा है, ये अगवा हुआ ही नहीं। अरे नहीं अम्मा, तुम्हारे सर की कसम में अगवा हुआ था। दो दिन तक कुर्सी पर बैठा रहा मैं, जुलेखा का नाम सुनते थे और थप्पड़ मारते थे वो लोग मुझे, बस खाना ढुसाए जा रहे थे। लेकिन जब मैंने कसम खा ली ना कि जुलेखा से शादी नहीं करूंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से पेश आए मेरे साथ। पता है क्या, दिल के इतने बुरे नहीं है वो लोग। नाम बता। अरे तू नाम बता, नहीं बताएगा ना तो मैं छत पे से कूद मरूंगा। अरे अम्मा नहीं, बता मुझे नाम बता। ले मैं जा रही हूं छत पे, जा रही हूं मैं। यूसुफ, दूसरे का नाम दाजी है, वही दोनों थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं ऐसा ऑमलेट तेरी जुलेखा भी नहीं बनाएगी तेरे लिए। खा ले। एक बात सच बता। हाँ। तेरे जैसे और भी दोस्त होते हैं क्या? मतलब मैं अगर चाहूं कि तेरी तरह के दो दोस्त और मिल जाएं तो मिल जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना। हाँ। और अपनी किस्मत पे खुश भी हूं। तेरे फोन बज रहा है। जुलेखा। हेलो, यूसुफ बोल रहे हो ना? हाँ। कहाँ इस वक्त? दाजी के घर। मतलब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? डर क्या हुआ? निकलो वहां से, अब्बा इमरान मुगीस को लेकर थाने पहुंच गए। बड़ा ही कमीना, यहां से कसम खा के गया था कि उसकी कसम को गोली मारो। तुम लोग वहां से निकलो, पुलिस आने वाली है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन निकल के जाएंगे कहां? कहीं भी जाओ, कराची में मत रहो, वरना वो मार मार कर तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। अब्बा बड़ी सिफारिशें लेकर गए इस दफा। आप तड़प रही हो ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था कि आप ना तड़पी हो ना मेरे घर में रोई हो। ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। ये इसी तरह की बातें करने का वक्त है। मैं आपको तड़पाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेकिन एक बार आप तड़पोगी, एक बार मेरे घर में रोगी, तो मैं हंस हंस के पुलिस की मार खा लूंगा। क्यों सब, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं जान दे भी दूंगा। किशोर कैसे? पुलिस आ गई। दाजी तो मेरा जिगरी दोस्त है ना यार। हाँ कोई शक? तो इस दरवाजे से निकल जा, तुझे मेरे सर की कसम। अगर तू पकड़ा गया ना तो मैं पुलिस की मार से तो बच जाऊंगा, लेकिन शर्म से मर जाऊंगा। मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल जा यार, मेरे सर की कसम दी है तुझे, जा। बहुत कमीना है जी। क्या हुआ? सबको पुलिस ने पकड़ लिया। मुंबली गाएगा? नो थैंक्स। नो थैंक्स? इंग्लिश पढ़ा लिखा है? जी हाँ।
बीबीए किया है मैंने। बे इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी मोहब्बत ही करनी थी तो इतना पढ़ना लिखने का क्या फायदा? सिंपल में खेलता बुरा था क्या? लड़की बटा, डेट मार, टैक्सी में बिठा, किराया दे, गुड नाइट बोल, मोहब्बत वोहब्बत सब लंबे चक्कर है और इन लंबे चक्करों में प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। तू तो गया 2-4 साल के लिए। नो प्रॉब्लम। क्या कहा? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं उसकी खातिर जेल भी चला जाऊंगा। वो तेरी की, तू तो बड़ा पक्का लग रहा है यार। देख ले आगे बहुत पिटाई होने वाली है, ये तो ट्रेलर था। तो मारो ना, मारो, मुझे भी इतनी थोड़ी सी मार खा के अच्छा नहीं लगा। लगा नहीं कि तुम लोग पुलिस वाले हो। तेरा दोस्त कहाँ है? पता नहीं, बहुत ठीक टाइम पे भगा दिया मैंने उसको। तू तो मरेगा मेरे हाथों से। क्यों, डर गया ना? नहीं, सोच रहा हूं तुम लोग मुझे इतनी छोटी छोटी बातों से डरा रहे हो। तू शायद जानता नहीं कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, एक बार देख भी चुका हूं। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या कर सकते हैं। शेख साहब ने लिखवाया है कि 1 करोड़ तावान मांगा था तुम दोनों ने। झूठ बोल रहे हो, हम सिर्फ ये चाहते थे कि ट्यूसडे को निकाह ना हो, बस। अदालत पहुंचेगा तो FIR भी पढ़कर सुनाऊंगा। हाँ, शेख साहब ने यह भी लिखवाया है कि 1 करोड़ में से 50 लाख की अदायगी कर चुके हैं। मैं जानता हूँ शेख साहब बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। 50 लाख का है? मेरी जेब में होंगे, तलाशी ले लो, ढूंढ लो। गुलफकार। यस सर। इससे उगलवा, उगलवा सब कुछ इससे। और बेहतर सर, वरना कल रिमांड के बाद मैं देखता हूं इसे। एक मिनट, एक दिल की बात बता। बता। चोर डाकुओं को मार ले चलेगा, कभी मोहब्बत करने वालों को ना मारना, मारा जाएगा। ये अगवा का केस नहीं है, मोहब्बत वगैरह की कोई स्टोरी है। जान रहा हूं। तो सर फिर वो मारपीट बंद करा दूं? क्यों? सर वो लड़का मार तो खा लेता है, आगे से उफ नहीं करता, बद्दुआएं देता है, कहता है मोहब्बत करने वालों को मारोगे तो मारे जाओगे। यूसुफ का बाबा वही है सर, उसका नाम यूसुफ है। बुलाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूं जनाब। कहिए। मेरा बेटा यूसुफ बहुत अच्छा बच्चा है जी, वो लिखने पढ़ने वाला है, म्यूजिक का भी बहुत शौक है उसको, बड़ा अच्छा गाता है। गाता भी है। आपका मतलब है कि मैं उसका गाना सुनूं? नहीं जी नहीं, मैं ये चाहता हूं जी बस उसे मारे ना कोई। किसी ने मारा उसे? सर वो बदतमीजी से जवाब दे रहा था तो संतरी ने उसके सर पे प्लेट मार दी थी, थोड़ा सा खून निकल आया था, ये लोग उसे कह रहे हैं कि मारा है। वो कोई नहीं है, थाने में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये 1 लाख रुपए हैं जी। हाँ।
बाकी रह गए 49 लाख। नहीं नहीं सर, ये तो आपके लिए है। वो 50 लाख वाली बात तो बिल्कुल झूठ थी सर। उन लोगों ने मेरे यूसुफ को फंसवाने के लिए लिखवाया था सर वो। तो फिर ये 1 लाख मुझे क्यों दे रहे हैं? आपकी मेहरबानी के लिए जी। बस मेरे बच्चे को कोई ना मारे। चाचा कोई नहीं मारेगा, ठीक हो गया भाई। ये बात पहले बता देते, कम से कम हमारी प्लेट तो बच जाती। देखो मैं सरकारी तौर पे प्रॉमिस कर रहा हूँ, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल महफूज रहेगा। हाँ आप 1-2 लाख का इंतजाम और कर लीजिए, तो ये 1 लाख रुपया तो रिमांड में ही खत्म हो जाता है। जी मैं कुछ करता हूँ जी। पानी पियोगे? जी नहीं, मेहरबानी। अब उसे जेल हो जाए या फांसी, तुम उसके सिवा किसी से शादी ना करना। ये तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी लड़कियां यही करती आ रही हैं। हिम्मत पड़ी तो शादी ना की, डर गई तो जहर खा लिया। अच्छा तो इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? तुम बताओ तुम क्या करके दिखाओगी? हिम्मत पड़ी तो यूसुफ से शादी करूंगी, डर गई तो इमरान मुगीस को जहर पिलाऊंगी। तुमने कुछ खाया? जी उनके आने से पहले खा लिया था। सुबह आऊंगा। अब सुबह तो आपने वहां जाना है, जाएंगे ना? यूसुफ कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? उन्होंने तुम पर झूठी FIR डाली है और तुम्हें यहां हवालात में डलवाया है, और उस FIR में लिखा है कि तुम उनसे 50 लाख रुपए तावान वसूल कर चुके हो। कल सुबह पुलिस तुम्हारा रिमांड लेने जा रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सुबह उनके घर जाऊं और जुलेखा का रिश्ता मांगू। आपने वादा किया था और मैंने उससे वादा किया है। अरे नहीं, अब क्या करेंगे आकर? रिश्ता मांगने की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। वो तो पहले की बात थी, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। अब्बा तो जलील कर देंगे उनको। उनका बेटा लॉकअप में पड़ा है, ये भी नहीं मालूम कि किस हाल में होगा। तुम्हारे अब्बा ने जलील कर नहीं दिया क्या उनको? वो और भी जलील होना चाहते हैं। हद तो ये कि नुदरत आंटी कल आने के लिए अपने कपड़े इस्त्री कर रही है। मेरी बात करवाओ उनसे, कोई जरूरत नहीं। अब तुमने जलील होने से नहीं रोक सकते। कल वो आएंगे, बात करेंगे, तक्का सा जवाब सुनेंगे या तुम्हारे अब्बा की गाली। मगर वो डरेंगे नहीं और ना ही अपना फैसला बदली करेंगे। तुम्हारी वजह से वो दोबारा हवालात गया, पुलिस वालों ने गिरेबान पकड़कर घसीटा है उसे, चोर डाकू की तरह मार खाई है उसने और जम के खाई है। सुलेखा नूर मोहम्मद, अब तुम्हारी बारी। कल जब वो तुम्हारे घर आए तो दरवाजे पे जाकर इस्तकबाल करना उनका। तुम्हारे अब्बा जब गाली दे तो अपने अब्बा से कहना रहम करें उन पर, और अगर कुछ नया करना चाहती हो तो सबके सामने कहना कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है। और अगर इससे भी कुछ नया कर सकती हो तो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर हवालात जाके दे आना। मैं भी कहूं कि यूसुफ ने अगर मोहब्बत की है तो जुलेखा ने भी करके दिखाई, वरना सारी दुनिया थूकेगी ऐसी मोहब्बत पर। पराठा, हलवा, पूरी और सेब का जूस, जो भी दिल चाहे। नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? बगैर खाए मोहब्बत अच्छी नहीं होती। मैं क्या मजाक कर रहा हूं? अच्छा अंडा खा ले, अंडे में बड़ी ताकत होती है,
अंडा नहीं खा सकता। क्यों? तफ्तीश में पहले भी किसी ने मारा था यहाँ मुंह पे। साले मुंह पर ही मारते हैं। कौन था? पता नहीं। दर्द हो रहा है? दांत दुख रहे। चाय पी ले। चाय तो पी ले। पहले कभी हवालात गया? एक बार। किस केस में? इसी केस में। मतलब पहले भी उसे ही अगवा किया था? दाजी ने मुक्का मारा था और उन्होंने रिपोर्ट कराई थी कि जान से मारने की कोशिश की है। पैसे वाले लोग हैं ना? सिर्फ पैसे वाले, जर्फ वाले नहीं। जर्फ वाले मतलब? जर्फ मतलब तुम नहीं समझोगे। घर छोड़। ये बता, ये मोहब्बत क्या होती है? सिर्फ लौंडिया को फंसाना ही मोहब्बत है ना? क्यों, कर दिया ना लाजवाब? नहीं, मैं बताता हूं तुझे, तेरे हिसाब से जवाब देता हूं। किसी के लिए झूठी एफआईआर पे हवालात काटना, तुझ जैसे आदमी से मार खाना, उसके साथ बैठ के नाश्ता करना और उसकी बकवास सुनना, इसे कहते हैं मोहब्बत। मार, मार! जब ये प्लेट मेरे सर पे टूटेगी और मैं जख्म खा के भी मुस्कुराऊंगा और तू जख्म दे दे के भी तड़पेगा, तब पता चलेगा तुझे कि मोहब्बत क्या होती है। देखा, कर दिया ना लाजवाब? वालेकुम सलाम। शेख साहब से मिलना है। आ जाइए। 50 लाख बरामद कराने हैं और इसके साथी को गिरफ्तार करना है जनाब। पिस्तौल बरामद हो गया? जी जनाब, लेकिन जो पिस्तौल इससे मिला है वो असली नहीं है। इसके चेहरे पे क्या हुआ? गिरफ्तारी की भागम दौड़ में मुंह के बल गिर गया था जनाब। मैं 3 दिन का रिमांड दे रहा हूं, मुलाजा करा के रिपोर्ट दो। मुलाजे की जरूरत नहीं है जनाब, आप इससे खुद पूछ लें। ये तुम्हें चोट कैसे लगी? इसने चीनी की प्लेट सर पे मारी है। तुम्हारे पास वकील कराने के लिए पैसे नहीं है? पैसे तो थे सर, लेकिन रात को अब्बा ने एसएचओ को दे दिया। उसकी मारपीट से बहुत डर गए थे। तावान के पैसे कहाँ हैं? तो तावान की बात बिल्कुल झूठी है सर, हमने तो सिर्फ 2 दिन इमरान मुगीस को घर पे रखा था ताकि ट्यूसडे को निकाह ना हो सके, और वो पिस्तौल भी बिल्कुल नकली थी। हम दोनों में से तो किसी को पिस्तौल चलानी तक नहीं आती। उसको तुमने घर में क्यों रखा हुआ? और तुमको क्या हक होता है कि तुम किसी के निकाह में दखल दो? झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सकता। इसका मुलाहजा करा के रिपोर्ट दो मुझे 2 दिन में। आइंदा अपने एसएचओ से कहना वो खुद हाजिर हो। बेटा, जुलेखा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इसके लिए तो जेल जाएगा। कितनी प्यारी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अहमद। ये यूसुफ के मम्मी पापा हैं और ये मेरी अम्मी है।